राजा सिंह जैसा आदमी जो एमएलए होना भी नहीं चाहिए था, जिसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, कल बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे एक एहतजाज रखा गया है बीजेपी हुकूमत की पुष्पनाही पर काम करने वाले लोगों के खिलाफ में मजबूती से उठ खड़े हूँ। जगत सर्कल से होते हुए डीसी ऑफिस जा रहे हैं। मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में आने का और उसका स्टेज प्रोग्राम होने का जो ही ऐलान हुआ। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मुसलसल गुज़िश्ता 8 सालों से बीजेपी हुकूमत के अंदर अखिलियतों, बिलखसूस मुसलमानों के ताल्लुक से और दलित, पिछड़ा वर्ग, ये तमाम तर लोगों के ताल्लुक से एक सोची समझी साजिश के तहत उनको अजियतें देना, उनको तकलीफ पहुंचाना, ये काम इस हुकूमत के पुश्त पनाही में फ़िरका परस्त ताकतें मुसलसल करते आ रहे हैं और इसमें एमएलएज़ भी शामिल हैं। हालिया दिनों में राजा सिंह जैसा आदमी जो एमएलए होना भी नहीं चाहिए था, जिसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस शख्स को तड़ीपार हो जाना चाहिए था। तेलंगाना पुलिस उसको नज़रअंदाज की और नतीजा ये रहा कि बीजेपी का एक एमएलए राजा सिंह बनकर, राजा सिंह असेंबली में पहुंचता है, उसके बावजूद भी, पार्टी का एक ज़िम्मेदार एमएलए होने के बावजूद भी, वो मुसलसल सड़क छाप और बेहुदा बातें बिलखसूस मुसलमानों के ताल्लुक से बोलने में कभी गुरेज नहीं करता है। मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में आने का और उसका स्टेज प्रोग्राम होने का जो ही ऐलान हुआ, उसने जिस अंदाज में और जिस गलत तरीक़े से बेहुर्मती की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये किसी भी हिंदुस्तानी के लिए एक मज़हबी पेशवा के ताल्लुक से कही जाने वाली बात पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इससे पहले नुपुर शर्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बेहुर्मती करती है, आज टी राजा सिंह करता है, कल कोई और शख्स हो सकता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बेहुर्मती कर सकता है, या फिर किसी भी मज़हबी पेशवा के ताल्लुक से अगर वो बेहुर्मती करता है, चाहे वो किसी भी कौम का रहे, तो उसके ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम होना चाहिए, क्या उस पर खामोशी बरतनी चाहिए, क्या उसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कानून के तहत उसको हिरासत में लेना चाहिए। ऐसा होना ज़रूर चाहिए था, लेकिन उस शख्स को बड़ी आसानी से जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उसी तरीके से एक ही दिन में उसको बेल भी मिल गई। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दलितों के साथ भी हो रही हैं, पिछड़े वर्ग के साथ भी हो रही हैं, उनको अजियतें देने का मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हुकूमत को समझना होगा कि ये मुल्क का ताना बाना तमाम तर कौमों को साथ में लेकर चलने से बनता है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी बनकर ब्राह्मिनिकल सोच के साथ में, जैसा कि मिसाल राहुल जी नाम का जो एमएलए गुजरात का है, उसने बिल्किस बानो मर्डर केस में रिहा होने वाले लोगों के ताल्लुक से कहा कि वो तमाम के तमाम तर ब्राह्मण थे और बड़े ही संस्कारी थे, ये बात जतलाता है कि ये लोगों की सोच ब्राह्मणवाद की है, मनुवाद की है, इन लोगों को पिछड़े वर्ग से कोई हमदर्दी नहीं है, इन लोगों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, इन लोगों को किसी भी अखिलियत से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही इन लोगों को दलितों से हमदर्दी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तदार में रहने के लिए आपस में कौमों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र कल बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सेफगार्ड के नाम से, उन हमारे आईनी हुकूक के तहफ़ बिलखसूस अखिलियतों और दलितों के ताल्लुक से एक एहतजाज रखा गया है। आप सभी से गुजारिश है
कि इस एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इस एहतजाज को कामयाब करें और ये फ़िरका परस्त और फांसीवादी सोच वाले बीजेपी हुकूमत की पुष्टपनाही पर काम करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ में मजबूती से उठ खड़े हों। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कल बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे हम लोग जगत सर्कल से होते हुए डीसी ऑफिस जा रहे हैं, एक रैली की शक्ल में जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब करें। सिटीज़न ऑफ गुलबर्गा फोरम के तहत ये रैली निकाली जा रही है, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है इसमें ज़रूर ब ज़रूर शिरकत करें।